गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पढ़ाई, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ाई, फिर उसके बाद एनी पोजीशन पढ़ाई, उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, वो भी हमने करा दी। अब जो हम आपको डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड आईआईटी। क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, ये डेरिवेशन हम आपको करा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखिए, हमने ये माना कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग की जो रेडियस है, दैट इज स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस, और इस सेमी सर्कुलर रिंग की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, इस सेमी सर्कुलर रिंग पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है, dl, और ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसके सेंटर O पर d थीटा एंगल बनाता है। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड dE है जो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाती है। अब देखिए, इस dE के को हम रिजॉल्व करेंगे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट dE sin थीटा। अब देखिए, पहले हम dE निकाल रहे हैं। dE क्या है? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दैट इज 1/4πε0dQ/r2। dE इज इक्वल टू 1/4πε0dQ/r2। अब dQ क्या है? dQ इज द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। dQ क्या है? चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। अब देखिए, यहां पे हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हमने dl ली है, तो dQ बराबर क्या हो जाएगा? dQ बराबर होगा लैम्डा इनटू dl, ये dQ की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए, ये जो एंगल d थीटा है बहुत छोटा है, छोटे एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो d थीटा इज इक्वल टू आर्क dl अपॉन रेडियस r, सो dl इज इक्वल टू आर d थीटा। अब देखिए, इस डी की वैल्यू में हम यहाँ ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे। डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0। डी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? लैम्डा डी एल, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? आर डी थीटा, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक पावर कैंसिल, दिस इज 1/4πε0 लैम्डा डी थीटा अपॉन स्मॉल आर। अब देखिए, इस डी ई को हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग
डी ई इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। अब देखिए ये जो डी ई कॉस थीटा है ये सारे डी ई कॉस थीटा काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम छोटा सा एलिमेंट यहां भी कंसीडर करें उसकी वजह से डी ई इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट पॉइंट ओ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर काउंटर बैलेंस्ड इन ईच अदर, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल किसका, सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स का, इंटीग्रल डी ई साइन थीटा। अब इसकी लिमिट हम कहां से कहां तक लेंगे, ये थीटा जो वेरी करेगा जीरो से पाई तक, जीरो टू पाई। अब देखिए डी ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इज इंटीग्रल जीरो टू पाई, डी की वैल्यू हम पे कितनी है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, जो कांस्टेंट हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई डी ई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर डी थीटा। अब देखिए यहां पर हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो इंटीग्रल किसका होगा, साइन थीटा का। सो दिस इज लिमिट 0 टू पाई देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कॉमन निकाला और लैम्डा अपॉन आर को भी हमने कॉमन निकाला, तो इंटीग्रल किसका होगा, जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा। दिस इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। देखिए साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, दिस इज माइनस कॉस थीटा लिमिट जीरो टू पाई। अब देखिए ये माइनस बाहर आ जाती है, देखिए माइनस बाहर आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए जब हम लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट, दिस इज कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, सो दिस इज माइनस लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन पाई माइनस कॉस पाई माइनस वन कॉस जीरो वन, सो दिस इज माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई।
तो क्या मतलब हुआ कि अगर कोई चार्ज्ड रिंग है, कंप्लीट रिंग है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। कितनी होगी? 2λ/4πε0r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे। अब देखिए अब हम अगला डेरिवेशन देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड NEET, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, देखिए अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ चार्ज्ड चार्ज मेटेलिक वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। यानी चार्ज्ड मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ कैसी है? फाइनाइट। फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है? जिसकी कोई नंबर है, कुछ लेंथ है, ठीक है। देखिए देखिए सपोज दैट इज अ मेटेलिक वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, अब देखिए इस मेटेलिक वायर से हम r डिस्टेंस पर, यह कोई पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, सपोज दैट इज p। अब देखिए क्या करा हमने कि इस मेटेलिक वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ कितनी है? dl। ये छोटा सा एलिमेंट यहां पर फाई एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज फाई, और ये टोटल लेंथ इसकी एल है, दिस इज एल, यानी यहां से यहां तक की लेंथ जो है आपकी वो एल है। अब देखिए यहां से हमने इसको डॉट कर कर मिला दिया, यहां से भी मिला दिया, सपोज दिस एंगल इज फाई वन एंड दिस एंगल इज फाई टू, और इस मेटेलिक वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। अब देखिए इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज हमने मान लिया dq है, dq क्या है? चार्ज
ऑन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल अब देखिए इसके ऊपर चार्ज जो हुआ डी क्यू बराबर कितना होगा लैम्डा इंटू डी एल। भाई यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो डी एल लेंथ पर चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू डी एल। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हुई डी ई। अब देखिए इसके हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज फाई, दिस इज ऑल्सो फाई, सो दिस इज डी ई कॉस फाई एंड ये फाई टू हमारा ये एंगल है, दिस इज डी ई साइन फाई। अब देखिए यहां पर इस मेटेलिक वायर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो काय के बराबर होगी। देखिए सारे स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, सबसे वर्टिकल कंपोनेंट निकालें और उनको ऐड कर देंगे, उनका वेक्टर सम ले लेंगे। अब देखिए पहले हम डी ई निकाल रहे हैं, तो डी ई कितनी होगी 1/4πε0 डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा इंटू डी एल अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज आर दिस इज एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डी की वैल्यू आई। सो दिस इज 1/4πε0 लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर भी लगा होता है अंडर रूट भी लगा होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें देखिए इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एल अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 फाई। तो एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर 10 फाई। अब देखिए इस एल को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फाई, दिस इज डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू आर, टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर फाई, दिस इज सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल की वैल्यू आपके पास हो गई आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये डी एल की वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए डी एल की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास L की वैल्यू भी है, इसको हम इसमें पुट करे देते हैं, तो DE इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू DL की वैल्यू क्या है R sec स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे आर 10 फाई, दिस इज आर स्क्वायर 10 स्क्वायर फाई, दिस इज 1/4πε0 लैम्डा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई
अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, दिस इज वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव होता है। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहां ये कार से ये कार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी फाई अपॉन आर, ये आर हमारा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर से एक पावर कैंसिल हुई थी, एक पावर बच गई थी, तो लैम्डा डी फाई अपॉन आर, ये डी ई आ गई। अब देखिए ये पॉइंट जो है हमारा, इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से भी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी होगी। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, डी ई कॉस फाई, डी ई कॉस फाई दैट इज डी ई एक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो डी ई एक्स इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी फाई अपॉन आर इंटू कॉस फाई। अब देखिए पूरे वायर की वजह से निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फाई वन से फाई टू तक। अब देखिए इधर की जो लिमिट है माइनस में लेते हैं, इधर की पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ई एक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉस फाई डी फाई अपॉन, देखिए यहां से हमारे पास एक पावर बची थी, तो ये लैम्डा अपॉन आर, दिस इज आर। अब देखिए अपॉन आर, अब देखिए जो कॉन्स्टेंट है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, तो दिस इज इंटीग्रल माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू तक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई एक्स कितना आया हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, लैम्डा अपॉन आर बाहर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब देखिए कॉस फाई का इंटीग्रल साइन फाई होता है, दिस इज साइन फाई लिमिट माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन। देखिए साइन के साथ जब एंगल होता है तो वो एंगल के साथ की माइनस बाहर आ जाती है, तो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा अपॉन आर साइन फाइ टू माइनस माइनस प्लस साइन फाइ वन। तो पता ही चला कि इस पूरे मेटेलिक वायर की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी। अब देखिए हम इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, देखिए डी ई वाई क्या हो जाएगा, दिस इज डी ई साइन फाई और डी ई की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन फाई डी फाई। ठीक है, अब देखिए पूरे की वजह से निकालने के लिए, पूरे मेटेलिक वायर की वजह से निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना आया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लैम्डा अपॉन आर बाहर इंटीग्रल माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक साइन फाई डी फाई। अब देखिए साइन फाई का इंटीग्रल जो है माइनस कॉस फाई होता है, दिस इज माइनस लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर दिस इज कॉस फाई माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक, लिमिट पुट करेंगे माइनस लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर दिस इज कॉस फाई टू माइनस कॉस माइनस फाई वन। देखिए कॉस के साथ अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस बाहर नहीं आती है जबकि साइन के अंदर आ जाती है, इसलिए ई वाई हमारे पास कितना हुआ, ई वाई हमारे पास हो गया माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये हो जाएगा आपका कॉस फाई टू माइनस कॉस फाई वन, कॉस फाई टू माइनस कॉस फाई वन दिस इज ई वाई। तो इस तरह से हमने एक मेटेलिक वायर की जिसकी लेंथ फाइनाइट है उससे किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया, वर्टिकल भी निकाल लिया। ठीक है, देखिए तो ये चार्ज मेटेलिक वायर है और इस चार्ज मेटेलिक वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस आर है तो हमने यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला ई एक्स, और ई एक्स हमारे पास कितना आया था, ई एक्स हमारे पास आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। इसी तरह से हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये हुआ दिस इज माइनस लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस फाई टू माइनस कॉस फाई वन। अब देखिए ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर हैं, अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या करें, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे ई एक्स का तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, इसको हमने बाहर कॉमन निकाला लैम्डा अपॉन
फोर पाई एप्साइलन नॉट का एप्साइलन नॉट आर का होल स्क्वायर, ये हमने कॉमन निकाला। इधर से क्या बच जाएगा, साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन का होल स्क्वायर, साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन का होल स्क्वायर प्लस, इधर क्या बच जाएगा, ये तो हमारे पास बाहर जा चुका है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो कॉस फाइव टू माइनस कॉस फाइव वन, होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, दिस इज लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो साइन स्क्वायर फाइव टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस टू साइन फाइव वन साइन फाइव टू प्लस, अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, कॉज स्क्वायर फाइव टू प्लस कॉज स्क्वायर फाइव वन माइनस टू कॉज फाइव वन कॉज फाइव टू। देखिए अब देखिए ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास चल रही है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक बार देखें, साइन स्क्वायर फाइव टू प्लस कॉस स्क्वायर फाइव टू दिस इज वन, सिमिलरली साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन दिस इज ऑल्सो वन। अब देखिए इन दोनों में से हमने माइनस का टू कॉमन निकाला, माइनस टू कॉमन दिस इज कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू माइनस साइन फाइव वन साइन फाइव टू। देखिए जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये फैक्टर पॉजिटिव हो गया और ये फैक्टर नेगेटिव हो गया। अब देखिए लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर का होल स्क्वायर दिस इज वन प्लस वन टू, टू माइनस टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन बी कॉज ए प्लस बी कॉज फाइव वन प्लस फाइव टू। अब देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ई इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर और इस पूरे पर अंडरवुड लग जाएगा, दिस इज टू माइनस टू कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू। देखिए ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, अगर हम चाहें तो इस अंडर रूट टू को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट टू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट आर अंडर रूट वन माइनस कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू। अब देखिए इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस लेते हैं, पर्टिकुलर पहला केस देखिए, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए
मान लो इसकी लेंथ तो फाइनाइट है, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो फाई वन फाई टू बढ़ते जाएंगे, बढ़ते 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 इनफाइनाइट पर फाई वन फाई टू कितने हो जाएंगे, पाई बाई टू, यानी 90-90 के हो जाएंगे। तो पहला केस है इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो दैट इज फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, ई इज इक्वल टू अंडरवुड टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज अंडरवुड वन माइनस 90-90 कॉस 180, दिस इज कॉस पाई, कॉस पाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो अंडरवुड टू दिस इज टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब क्या है कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई इक्वल टू टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मेटेलिक वायर। अब देखिए केस नंबर टू हम ले रहे हैं, केस नंबर टू हम ये ले रहे हैं कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी ठीक एक सिरे के सामने है, यानी कि वायर इस तरह से है और पॉइंट पी ठीक एक सिरे के सामने है, तो इस कंडीशन में केस नंबर टू इफ द वायर is of infinite length and point P lies in front of one end of the wire, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देखिए फाई वन इज इक्वल टू 90 यानी पाई बाई टू, और फाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। देखिए साहब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, फाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, फाई वन की वैल्यू आ रही है पाई बाई टू और फाई टू की वैल्यू ज़ीरो, तो ई इज इक्वल टू दिस इज अंडरवुड टू लैम्डा अंडरवुड वन माइनस कॉस, फाई वन की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, फाई टू कितना है जीरो, तो कॉस पाई बाई टू। देखिए cos 90 जीरो होता है, तो E इज इक्वल टू अंडरवुड टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या मतलब हुआ कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी ठीक एक सिरे के सामने है, तो इस कंडीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई इज इक्वल टू अंडरवुड टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। अब देखिए अब हम तीसरा केस ले रहे हैं,
देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वायर फाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी जो है वायर के ठीक मिडिल में है, इफ द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P lies in the middle. For example, ये वायर है, ये पॉइंट P है, तो इस कंडीशन में ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे. सपोज दिस इज phi, दिस इज phi. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो इस कंडीशन में फाई वन बराबर फाई टू बराबर फाई. अब देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे? E इज इक्वल टू वन माइनस E इज इक्वल टू अंडर रूट टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर. 1 माइनस कॉस 2 फाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 फाई. अब देखिए इसे सॉर्ट आउट करेंगे. देखिए जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो E इज इक्वल टू अंडर रूट टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट वन माइनस कॉस टू फाई को हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर फाई. वन माइनस टू साइन स्क्वायर फाई, दिस इज अंडर रूट टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई. 1 कैंसिल. कितना मजा देखिए, अंडर रूट 2 2 हो जाएंगे. दिस इज 2 लैम्डा साइन स्क्वायर फाई का अंडर रूट साइन फाई, 2 लैम्डा साइन फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. अगर वायर फाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट पी ठीक मिडिल में है, इस कंडीशन में दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे. और जब ये बराबर हो जाएंगे तो ई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा साइन फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब देखिए यहाँ से हम एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, वो क्या है कि अगर वायर फाइनाइट लेंथ का है, वायर फाइनाइट लेंथ का है और अलग अलग पॉइंट पर अगर उनके डिस्टेंस वायर से सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी. देखिए अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, सपोज एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है. देखिए तीनों के डिस्टेंसेस सेम हैं. इसका मतलब ए बी सी ये तीन पॉइंट हैं. ये चार्ज मेटेलिक वायर है. ए बी सी आर द तीन पॉइंट थ्री पॉइंट ए बी सी आर द थ्री पॉइंट हैविंग द सेम डिस्टेंस आर 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 बट
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट थ्री डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट। ठीक है, यानी कि उन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट हो जाएगी जबकि डिस्टेंसेज उनके सेम हैं, ये चीज़ पूछी जाती है। अब देखिए, इस डेरिवेशन को हम गॉस थ्योरम के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम से जो हम प्रूफ करते हैं वो फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं बल्कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके ऊपर कुछ आपको प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 7 मीटर इज बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 10^-6 कूलम्ब पर मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए वायर को हमने, अब वायर ऑफ लेंथ 7 मीटर, 7 मीटर का एक वायर है जिसको हमने सेमी सर्किल के अंदर बेंड कर दिया। अब देखिए, सेमी सर्कमफेरेंस जो होती है वो पाई आर होती है, पाई आर इज इक्वल टू 7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 7, आर इज इक्वल टू 49/22, ये आर की वैल्यू हो गई। अब देखिए सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सेंटर पर वो होती है 2λ/4πε₀r। अब देखिए हमारे पास लैम्डा नहीं है, लैम्डा दे रखा है हमें 10^-6, तो 2 1/4πε₀ की वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू 10^-6 अपॉन आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 49/22। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 44/49 × 9 × 10^3, 9+ 6 × 10^3 कितने न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इन टू 10^3
396/49 10^3 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखिए, हमने आपको ये डेरिवेशन कराए हैं, ये डेरिवेशन ट्वेल्थ में नहीं पूछे जाते, लेकिन IIT और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पर बेस्ड वो क्वेश्चन कराएंगे जो नीट और IIT में पूछे गए हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो से को आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसके अंदर आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिजिक्स इम्प्रेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।